तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं एज इट इज रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बारे में कि क्यों भैया आपको इसको परचेस करना चाहिए, क्या ऐसा इसमें खास बात है कि ये बाकी वे प्रोटीन से एकदम डिफरेंट है और क्या इसके अंदर ऐसी चीजें मिली हुई जो कि इसको बाकी प्रोटीन से डिफरेंट बनाती है और क्यों ये सबसे खास रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। वीडियो पूरी देखिए, इन सारे क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यहां पर मैं आपको इन डेप्थ सारी की सारी चीजें अभी क्लियर करने वाला हूं कि भाई एज इट इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बाकी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से कैसे डिफरेंट है। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा हाईलाइट जब वे प्रोटीन परचेस करने जाते हैं आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि भाई हमारा जो प्रोटीन है वो लंबे टाइम तक चल जाए। नहीं, अब आप ये बताइए, यहां पर आपको 1850 रुपए में 33 सर्विंग देखने को मिल रही है। ओके, बाई चांस आपका किसी दिन वे प्रोटीन स्किप हुआ, सैटरडे संडे कभी एक स्कूप अगर आप लेते हैं डेली का स्किप हुआ, तो आपका ये प्रोटीन 36 डेज या 37 डेज बड़े आराम से चल जाएगा। एग्जांपल के लिए बात करें, नॉर्मल फिटनेस पर्सन के लिए बात करें जो डेली एक स्कूप वे प्रोटीन रखता है, मैं भैया उनकी बात नहीं कर रहा जो 2-3 स्कूप लेते हैं, एक स्कूप जो डेली कंज्यूम करते हैं, तो बड़े आराम से आप इसको 36 डेज आप आराम से चला सकते हैं। जो एक दिन में दो बार लेते हैं उनकी तो बात लग है, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, आपको 33 सर्विंग आपको देखने को मिल रही है। तो आप ये देखें कि भाई 33 सर्विंग, सोचिए आपको इस प्राइस पॉइंट पे बाकी जो कंपनियां हैं वो आपको कितनी सर्विंग प्रोवाइड करती है, 29 26 27 25 इतनी सर्विंग आपको प्रोवाइड करती है। और आप सोचिए यहां पे आपको 1850 रुपए में यहां पर आपको 33 सर्विंग देखने को मिल रही है, हुई ना बात। यहां पर इसी वजह से यहां पर सबसे बड़े पॉइंट यहां पे ये आते हैं कि भाई इस वजह से ये सबसे ज्यादा डिफरेंट है। अब और देखिए, मैं आपको और चीजें बताता हूं, घबराइए मत। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर ये आता है कि यहां पर जो रॉ की जो क्वालिटी है, आप बाकी सप्लीमेंट से जब इसको कंपेयर करेंगे एज इट इज के रॉ प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को, तो इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अलग हटके हमें देखने को मिलती है, खासकर जब हम बात करें प्राइस की। तो देखिए यहाँ पे सबसे अफोर्डेबल प्राइस में जो हमें इस टाइम में रॉ प्रोटीन मिल रहा है वो हमें एज इट इज का ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बात करी जाए क्वालिटी की तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मिक्स करने पे झाग आता है, तो देखिए दोस्तों झाग आना ही नॉर्मल सी बात है। आप जोर से मिक्स करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है झाग आएगा, कि अगर नॉर्मल से आप मिक्स करेंगे, नॉर्मल स्पीड में अगर आप मिक्स करेंगे शेक करेंगे तो झाग ज़्यादा नहीं आएंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो होते हैं लम्स वगैरह इसमें नहीं बनते। और क्वालिटी की बात करें अच्छी, आपको कोई जैसे ब्लोटिंग वगैरह जैसे देखने को चीज़ें नहीं मिलते। हाँ, बहुत सारे लोगों को रॉ भी प्रोटीन सूट नहीं करता, तो यहाँ पर अब के टाइम में ये सप्लीमेंट के अंदर एंजाइम भी ऐड है जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट होने में और आसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। और तीसरी इसकी खास बात सबसे ज़्यादा ये है दोस्तों कि भाई यहाँ पर जो इसकी जो लैब टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो रखी है, इसके अंदर जितना प्रोटीन बताया जाता है उससे ज़्यादा ही प्रोटीन इसके अंदर कुछ पॉइंट में पाया गया है। ऐसा नहीं कि भाई जितना प्रोटीन बताया है कि भाई 27 बताया है या 24 बताया है आपको कम देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। जितना प्रोटीन है अगर आपको पर सर्विंग में 24 ग्राम देखने को मिल रहा है तो 24.2 या 3 होगा, इससे कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ एक ये आखिरी में हमें देखने को मिलते हैं भाई, यहाँ पर ये स्टूडेंट के लिए जो लोग लीन गेनिंग कर रहे हैं, जो लोग लीन मसल बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा काम है। और यहाँ पर मैं आपको एक और वजह बताता हूँ जिसकी वजह से आप इसको परचेस कर सकते हैं कि भाई ये देखिए जो इस प्राइस में रॉ वे प्रोटीन आते हैं, एग्जांपल के लिए मतलब इस कैटेगरी में जो रॉ वे प्रोटीन आते हैं वो आपको लगभग 2200, 2300, 2000, 1900 में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको 2100, 2200 में भी कोई रॉ वे प्रोटीन देखने को मिलता है तो अगर आप उसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिटी का कोई खास ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। भाई ये भी अपने में एक कंपनी है, ऐसा नहीं कि भाई कोई खराबी है, मैं एक नॉर्मली सी बात बता रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि भाई महंगी चीज़ ही लेना हमेशा अच्छा होता है। भाई देखिए जब आपको चीज़ अच्छी मिल रही है कम दाम में भी तो वहाँ पर आप उसकी तरफ भी तो जा सकते हैं। अब जो आपके 300-400 रुपये बचे वहाँ पर आप क्रिएटिन ले सकते हैं, पैसे आपके बच गए ना। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप मसल गेन कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, साइज गेन कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस एनहांस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्रिएटिन ऐड कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का, आपको 350-400 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप नेक प्रो का क्रिएटिन ऐड कर सकते हैं, वो आपको इसी प्राइस में देखने को मिल जाता है 350 रुपये के आसपास, इस प्राइस से शुरू है। तो भाई आप अपना फ़ायदा देखें, ये ना देखें भाई प्रचार क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, अपना फ़ायदा देखें, बॉडी में क्या इम्पैक्ट आएगा देखें कि भाई कहाँ पैसे बच रहे हैं। क्योंकि सप्लीमेंट की जो मार्केट है इन डेप्थ अगर आप उसमें जाएंगे तो वहाँ प्राइसिंग बहुत ज़्यादा चली है भाई, ओवर प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों के दाम देखने को मिल रहे हैं और जो काम है वही आपको सेम देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया इसको आपने लिया तो वही चीज़ होगी, ये देखें साइड इफेक्ट ना हो, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ब्लोटिंग ना हो, इचिंग ना हो, स्किन में एलर्जी ना हो, बस इसके सिवा आपको क्या चाहिए। प्रोटीन के क्या रिजल्ट होते हैं, आप अपनी डाइट से प्रोटीन ले रहे हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं अपनी डाइट से प्रोटीन ले रहा हूँ कि भैया क्या होगा, ताकत मिलती है, बॉडी में रिकवरी होती है, मसल रिपेयरिंग होती है,
फिटनेस लेवल आपका अच्छा रहता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो इतने सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं यहाँ पे आपको इतनी सी बात ही बताना चाहता था, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सप्लीमेंट परचेज करना चाहते हैं। मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दे दी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।